खरगोन जिले में आज 3 और मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खरगोन शहर के 2 और बड़वा की एक 45 वर्षीय मृतक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि बड़वा की महिला की 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। जिले में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 122 पहुँच गई है, जिसमें से अब तक 9 की मौत भी हो चुकी है। वहीं 98 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अब मात्र 15 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं। CMHO डॉक्टर अजय डावर ने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला मरीजों की हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। बड़वा में महिला की मौत के बाद रिपोर्ट आई है, पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। मौत के बाद आज रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को बड़वा प्रशासन हरकत में आया है। SDM मिलिंद ढोके, SDOP शैलेंद्र श्रीवास्तव और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुँच कर मौका मुआयना करते हुए सैयद गली को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सैनिटाइजर किया है, पूरे एरिया को सील कर दिया है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 17 में शबनम पिता नासिर करके हैं, 45 साल की उम्र है, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 23 तारीख को इनकी तबीयत खराब हुई थी, इन्हें बड़वा हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ से फिर वापस घर लाए, फिर 24 को वापस ले गए, तबीयत खराब हुई, फिर 25 को खरगोन जब रेफर किया वहाँ इनकी डेथ हुई। इनको ब्लड प्रेशर का ज़्यादा था, इनका रैंडमली रिपोर्ट आ सकती है, रिपोर्ट आने में 2 घंटे का समय लगता है। हाँ, एरिया पूरा सील कर दिया, पूरा सैनिटाइज कर दिया। हाँ, जो भी उसके कांटेक्ट में आए हैं उन सबके सैंपल लिए जाएंगे। ये वाला जो मेन गली है यही वाली बंद रहेगी, कंटेनमेंट एरिया जिसे घोषित करेंगे, बाकी एरिया तो खुला रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।